नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं दिव्यांशु आपके साथ। इस खास पेशकश में हम सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर लाते हैं, उससे जुड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस के बाद राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसके जरिए सहायक वन संरक्षक के 13 और वन क्षेत्रपाल के 126 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2023 है। राज्य सेवा यानी पीसीएस और राज्य वन सेवा दोनों की प्रारंभिक परीक्षा कॉमन होगी। यानी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एमपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पास करना होगा। पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर को किया जाएगा। पीसीएस व राज्य वन सेवा दोनों के एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को जारी होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2023 यानी राज्य सेवा परीक्षा के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। पीसीएस में नायब तहसीलदार और उप पुलिस अधीक्षक समेत 227 वैकेंसी गई है। इसके लिए आवेदन 22 सितंबर से शुरू हो गए थे। 21 अक्टूबर 2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। कुल वैकेंसी में अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी है। वन क्षेत्रपाल के कुल 126 पदों में सभी आरक्षित हैं। 54 पद एससी, 72 एसटी के लिए आरक्षित हैं। सहायक वन संरक्षक के कुल 13 पदों में 4 पद अनारक्षित हैं, 2 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। योग्यता: सहायक वन संरक्षक में विज्ञान, इंजीनियरिंग या फिर तकनीक में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी। वन क्षेत्रपाल के लिए विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा क्या है? 21 से 33 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी। चयन प्रक्रिया: सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जिसे प्रीलिम्स एग्जाम कहा जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा की प्रारंभिक कॉमन होगी। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी और फिर इंटरव्यू। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं। दर्श न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखते रहें दर्श न्यूज।